हेलो गाइस, वेलकम टू डे आवर कस्टमर मैप। तो गाइस, आज हमने लगवाया है मिरर मार मैप काफ़ी दिनों बाद क्या, आज पहली बार लगाया गाइस। तो गाइस देखते हैं क्या बनता है आज हमारे रूम मैच का। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं एक्सल सौरभ को। तो गाइस इस प्लेन के पायलट हैं मुस्तारक रैको। तो गाइस इनके पास है स्किन, तो गाइस ये अभी तीन ही बंदे हमारे पास, 84 बंदे आए हैं, मतलब 96 आए थे या कितने। तो गाइस उसमें से 12 बंदे किक हो गए हैं। तो गाइस देखते हैं आज हमारे पहली बार लगाए हुए मतलब मिरर मार मैप को कितने बंदे जीत पाते हैं, कौन सी टीम जीत पाती है। तो गाइस यहाँ पे बंदे उतर चुके हैं, 29-25 नंबर टीम जा रही है वाटर ट्रीटमेंट की तरफ। और गाइस इकार्डो पे भी काफ़ी बंदे जाएंगे, मशहूर सिटी है यहाँ की ये। तो गाइस देखते हैं कहाँ जा रहे हैं बंदे। गाइस एक्सेल की टीम अभी तक नहीं उतरी है, देखते हैं कहाँ जा रही है ये टीम एक्सेल सौरभ। तो गाइस हमारे पास हैं 25 टीम्स, 84 बंदे, और यहाँ पे भाई सौरभ की टीम उतर चुकी है। तो गाइस इनके साथ जा रहे हैं 3 स्क्वाड कुमार सेरा को। तो गाइस देखते हैं इनके साथ जा रही है, यहाँ पे ही ये कर गए हैं यहाँ पे नीचे। तो गाइस हम चलते हैं ओवरऑल में, देखते हैं मेहरा साहिल XT, ये काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड है हमारे पास। शिवा क्लैन भी आया, टीम क्लैन भी आई है भाई, टीम D2V टीम भी आई है आज। तो गाइस ह्यूड नरियाल, ह्यूड कार्तिक भानु भी आया है यहाँ पे, क्राटोस भी आ गए हैं यहाँ पे, क्राटोस ह्यूड साइल बीस्ट, उनको देखना बनता है कहाँ पे हैं भाई ये टीम। तो गाइस यहाँ पे ह्यूड बीस्ट आए हैं यहाँ पे सैन मार्टिन। तो गाइस यहाँ पे बगी उठाई ह्यूड बीस्ट ने। गाइस हम देखते हैं कि किसी और को बंदे को यहाँ पे स्पार्टन ने आती इन्हें नॉक किया बंदा, देखते हैं कहाँ पे कर रहे हैं नॉक। चलते हैं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे गाइस। तो गाइस यहाँ पे ये आए हैं मेन बिल्डिंग पिकाडो की शायद, हाँ गाइस पिकाडो की मेन जो बिल्डिंग है वहाँ पे इनके सामने मतलब बैडस आपकी नॉक यहाँ पे ह्यूड मनी के हाथों। तो गाइस ह्यूड मनी को देखते हैं, ह्यूड मनी के साथ हैं भाई ह्यूड मन मिलन हाइड्रा मिलन ह्यूड मनी ह्यूड हाइड्रा मिलन, और गाइस इनके साथ हैं रुथ राजपूत ठग शोन। तो गाइस ये दो बंदे इनके साथ तो खतरनाक है रुथ राजपूत। तो गाइस लगता है इनके पास बंदे आ चुके हैं टीम नंबर 19। तो गाइस ये बहुत ही अलग हो गए हैं अपनी टीम से, इनके पास AKM है। तो देखते हैं क्या कहते हैं ह्यूड मनी। गाइस यहाँ पे चुप करके बैठ गए हैं, यहाँ पे नेट कर दिया है घर पे अंदर अपने पास। यहाँ पे ये क्या करें, AKM पकड़नी चाहिए, पंच कर रहे हैं अपने आप को ही लगता है, मार दिए कहीं और ही मौली कर दी, लगता है इनका नेट नहीं चल रहा है। तो गाइस ये यहाँ पे हमारे पास अभी एक बंदा मर चुका है, और यहाँ पे बंदे आ चुके हैं इनके पास लगता है। यहाँ पे इन्होंने भाई बैड SRC को ख़त्म किया है। तो गाइस अब वो अपनी टीम का बदला लेने आ रहे हैं, और यहाँ पे भाई काफ़ी ही मतलब कवर नहीं लिया, यहाँ पे TP भी करना चाहिए ह्यूड मनी को, और हील भी करना चाहिए उसी के साथ। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा आ गया है बैड SR, यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, किया बैड SBU ने, और साथों साथ यहाँ पे खत्म कर देंगे बैड टीम। हमें देखना पड़ेगा भाई ह्यूड मनी की टीम को, वहाँ पे रुथ राजपूत जा रहे हैं आगे, रुथ राजपूत भाई मौली कर रहे हैं, मौली कर दी है ठग शोन भाई, यहाँ पे मौली खुद पे ही कर ली, आगे भी नहीं की ना भाई। यहाँ पे दोनों बंदे जा रहे हैं ह्यूड मनी की टीम के मतलब उनका बदला लेने। तो गाइस अब 3v3 है फाइट, बट उनका एक यहाँ पे एक और नॉक, अकेला बंदा बचा है अंदर बैड SBU। और गाइस देखते हैं हम बैड SBU को, SBU जी क्या कर रहे हैं, SBU जी यहाँ पे हैड्रा मिलन को देख रहे हैं, बट इनको पता नहीं ठग शोन यहाँ पे आ गए सामने, और भाई बैड SBU भी ख़त्म यहाँ पे।
टीम नंबर, मतलब यहाँ पे भाई टीम नंबर 19 ख़त्म 17 के हाथों। तो गाइज यहाँ पे बचे हैं अभी दो ही टीम्स, तो काफ़ी गैप है इनमें। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैप है, बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मज़ा भी आएगा, मैच हमारा लंबा भी जाएगा। तो गाइज इस टाइम हमें कहाँ चलना चाहिए पता नहीं लग रहा है आज, मतलब पहली बार इस मैप में मैं मतलब कर रहा हूँ स्पेक्टेट और मतलब। तो गाइज देखते हैं यहाँ पे टीम डी टू और ह्यूड किंग की टीम भाई यहाँ एक साथ यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइज इस टीम की फाइट देखने में मज़ा है भाई। तो गाइज यहाँ पे आज होगा ह्यूड वर्सेस टीम डी टू, तो देखते हैं कौन सी टीम ले जाती है आज का मैच। तो गाइज यहाँ पे हो चुके हैं ह्यूड किंग नॉक, हमें देखना है यहाँ पे ह्यूड आरू को, नहीं ह्यूड स्टॉर्म को, काफ़ी पास है उनके टीम ड्यूटी के बंदे को, यहाँ पे मार सकते हैं भाई। यहाँ पे वॉल थी तो मुझे देख रहा मार सकते थे यहाँ पे ह्यूड किंग को किल करने के चक्कर में, बट स्टॉर्म का यहाँ पे एक भी शॉट नहीं लग रहा। ह्यूड किंग भाई काफ़ी आगे जा चुके थे, तो गाइज यहाँ पे स्टॉर्म को किंग को मरना ज़रूरी है भाई, यहाँ पे काफ़ी आगे जा चुकी है ये टीम। बट यहाँ पे स्टॉर्म भी नॉक राइना के हाथों, हम देखते हैं ह्यूड किंग को, किंग को, किंग जी यहाँ रिवाइव दे रहे हैं, किंग जी भी यहाँ नॉक हैं। अब हमें देखना है ह्यूड आरू को भाई, यहाँ पे ह्यूड की टीम ख़त्म हो चुकी है, फॉल बैक कर गए हैं यहाँ पे ह्यूड की टीम के बंदे। तो गाइज यहाँ पे ह्यूड राज भी ख़त्म और यहाँ पे ह्यूड किंग भी, ह्यूड स्टॉर्म को यहाँ पे हील होना चाहिए भाई, ये फॉल बैक कर गए हैं, ये इनके अच्छा डिसीजन है इनके लिए, क्योंकि इनको अभी तक और मतलब यहाँ पे रश करने भी आ चुके हैं बंदे और यहाँ पे इनको सरवाइव करना है। तो भाई यहाँ पे आरू जी के पास मौली और आरू जी को यहाँ पे नॉक किया और यहाँ पे स्टॉर्म को देखना पड़ेगा भाई स्टॉर्म क्या कर रहे हैं। स्टॉर्म के पास बंदे भाई, ये बंदे पोजीशन पकड़ कर ले रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छा इनका गेम प्ले। यहाँ पे भाई इन्होंने 4 किल अपने नाम किए ह्यूज स्टॉर्म की टीम को मार के। हमारे पास भाई यहाँ पे 73 बंदे हैं, 23 टीम, यहाँ पे दो टीम्स ख़त्म हो गई हैं, बैड एस और एक ह्यूड ह्यूड की टीम। तो गाइज यहाँ पे ह्यूड नरियाल भी नॉक, गाइज यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या हुआ। यहाँ पे रिदिक की टीम आ गई है, शिवा गुप्पू भी यहीं पे हैं भाई आज, और एक्सडी वरुण जी, गाइज यहाँ पे वरुण जी को नॉक किया और सामने गुग्गू जी को भी मार सकते थे भानू, बट भाई काफ़ी ओपन में ये, तो भाई क्या कर रहे हैं ये, एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं। गाइज यहाँ पे लगता है भाई शिवा गुग्गू ने अपने बंदे को बचा के यहाँ पे भानू मतलब ह्यूड नरियाल की टीम को ख़त्म की। यहाँ पे एक और ह्यूड का बंदा ख़त्म, तो भाई ह्यूड के बंदे कुछ अपना जलवा नहीं दिखा रहे हैं, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज अब देखते हैं कहाँ फाइट हो रही है। यहाँ पे ओआरसी अखिल की टीम भी आई है आज, ठग की टीम भी आई, ठग शॉन जो है ये हाइड्रा मिला मतलब ह्यूड मनी की टीम के बंदे हैं ये, तो स्पार्टन यात्री इनके बंदे AI पहुँच गए हैं। तो गाइज यहाँ पे अब टीम के साथ कोई भी नहीं है, तो गाइज ह्यूड बीस्ट की टीम कहाँ पे है उसका पता नहीं लगाया जा रहा है अभी भी। गाइज ह्यूड बीस्ट की टीम आई थी यहाँ पे, अब कहाँ पहुँच गई है, तो पिकाडो गई थी शायद। तो गाइज अब पता नहीं क्या किया इन्होंने, चेंज कर लिया थोड़ा। तो गाइज हम चलते हैं ठग, तो गाइज हम आ चुके हैं अब ठग बाबा जी के पास। तो गाइज बाबा जी यहाँ पे देखते हैं कौन था। कौन सा मतलब हम देखते हैं कौन सा इतिहास रचाते हैं यहाँ पे ठग बाबा जी। तो गाइज हम देख रहे हैं ठग बाबा जी, इनके सामने हैं मतलब उनकी टीम का बंदा ठग है, इसके यहाँ पे ट्रक के साथ निकला जा रहा था बट नहीं निकल पाए, बट निकल जाना था बट ये उठ गए। बट गाइज देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइज यहाँ हम ऊपर ले चलते हैं, आपको ऊपर से दिखाते हैं कहाँ पे बंदे। तो गाइज यहाँ पे दो ही बंदे हैं सामने वाली टीम के, तो गाइज इनको फाइट ले लेनी चाहिए, रश कर देना चाहिए। उन्होंने गाड़ी अपने मतलब पास रख ली है, यहाँ पे 4v2 की फाइट हो सकती है। यहाँ पे इनके आसपास कोई भी बंदे नहीं हैं भाई, तो भाई ये जगह लगता है यहाँ की भाई चोर जो है। मैं काफ़ी कल कम खेला हूँ मतलब मिरमा, या खेला हूँ तो बस पिकाडो ही गया हूँ और सैन मार्टिन ये मेन मेन जगह।
तो गाइस ज़्यादा नहीं घूमा मैं यहाँ मीरामार की गलियाँ। गाइस हमारे पास यहाँ 70 बंदे हैं और यहाँ पे गाइस ड्रॉप आ चुका है। तो गाइस रितिश की टीम के पास ड्रॉप है और यहाँ पे एक बंदा नॉक, बट पता नहीं चला यहाँ पे गाइस मेन जगह में नॉक। यहाँ पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ठग एस के ने मैसिया को नॉक किया, डैमन ने ठग एस के को गाइस। तो यहाँ पे ठग बाबा जी भी नॉक डैमन के हाथों। तो गाइस यहाँ पे भी फाइट चली हुई है, वहाँ पे फाल्कन वरुण ने भी बंदे को नॉक किया। तो गाइस यहाँ से यम सोनी खत्म इसी के हाथों। और यहाँ पे चलते हैं टीम नंबर 22, वहाँ पे चलते हैं टीम नंबर 14 अंशुल के पास। अंशुल जी के भाई यहाँ पे काफ़ी बंदे लेट गए हैं। यहाँ पे अतुल ओपी भी यहीं हैं और यहाँ पे नीचे जंप कर गए हैं अपने बंदे के पास। तो गाइस ये इनका एक बंदा मर चुका है, एक बंदा नॉक है। और यहाँ पे भाई फाल्कन वरुण भी नॉक। तो गाइस अब ये अकेले ही बचे हैं गाइस यहाँ पे। तो अपने बंदे को पुनिशर को रिवाइव देने पहुँचे हैं वरुण भी यहाँ पे। नुस्ता को भाई, नुस्ता भी आ गई है। तो गाइस जितनी जल्दी हो सके स्क्वाड वाले बंदे जो हैं अपनी जल्दी मतलब रूम ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि बाद में स्लॉट नहीं मिलते हैं आपको, इकट्ठा नहीं कर सकते फिर हम, क्योंकि हम बाकी बंदों को भी किक नहीं कर सकते क्योंकि वो भी खेलने ही आते हैं यहाँ। तो फिर क्यों किक करना उनको? तो हम चाहते हैं किसी को बुरा ना लगे हमारे द्वारा मतलब। तो गाइस यहाँ पे एक्सल राकेश ने नॉक किया एक बंदा, बट पता नहीं लग पाया। एक्सल यहाँ पे है भाई टीम नंबर 6। हम पहुँच गए हैं टीम नंबर 6 के पास और गाइस यहाँ पे अभी नहीं जा पाए। देवेंद्र जी यहाँ पे भाई नॉक हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो कौन कौन बचा है, आपका फ्रेंड ब्रो ब्रदर देख लो। यहाँ पे गाइज टीम नंबर 7 भी ख़त्म है, 11 भी, 12 भी, 15 भी, ह्यूस्टॉम की टीम यहाँ पे बैडेस भी ख़त्म है। और यहाँ पे साहिल कुमार अकेले थे जो, वो भी ख़त्म है। तो गाइज यहाँ पे देविंदर का बचा है हाइपर डेविल। तो गाइज पता नहीं कहाँ पे हैं ये। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे गाइज नुस्ता के पास, नुस्ता गुरु कर देना। तो यहाँ नुस्ता के यहाँ पे बस नुस्ता गुरु और यहाँ इनका टीम प्लेयर नंबर 1 बचा। यहाँ पे सामने फाल्कन है, फाल्कन के 2 ही बंदे हैं। और यहाँ पे टीम नंबर 22 भी है गाइज। तो हम ऊपर से देखते हैं इनको। यहाँ पे भाई टीम नंबर 14 के बंदे वहाँ पे है, नुस्ता हर्ष वहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं। यहाँ पे नुस्ता गुरु उनके अपोजिट में है, वहाँ पे डोप चिराजर्ड इनको रिवाइव देने आ रहे हैं, जी एन जी निखिल उनको रिवाइव देने आ रहे हैं, वो देंगे शायद डॉप के बंदे। तो गाइस यहाँ पे फाल्कन के पास गाड़ी भी है, भागना पड़े तो वो भाग भी सकते हैं। तो गाइस अब हर्ष को रिवाइव मिलने वाला है, मतलब मिल जाएगा थोड़ी देर में। वहाँ पे मतलब 24 टीम के भी 2 बंदे हैं और 14 नंबर टीम के भी 2 बंदे हैं और यहाँ पे 22 के 3 बंदे। तो गाइस इनके आसपास और कोई टीम नहीं है। यहाँ पे नुस्ता डेविल ने नुस्ता नाइट्रो को नॉक किया। तो गाइस यहाँ पे नुस्ता डेविल पे रश होने वाला है लगता है। वहाँ पे नुस्ता रकुम को अच्छा डैमेज, काफ़ी लो एचपी है यहाँ पे उनके टीम नंबर मेथ के MYTH के बंदे। यहाँ पे कीरा उमेश काफ़ी ओपन में है, वहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं नुस्ता का मतलब एक बंदा दूसरे को। तो गाइस हम चलते हैं इसके पास भाई। यहाँ पे प्रोन है, रिजली हुई है इन्होंने। तो गाइस नुस्ता नाइट्रो हील हो रहे हैं, उनके पास बैंडेजेस हैं। यहाँ पे इनके पास जोन आ चुका है, पेन किलर ले रहे हैं ये। तो गाइस अभी तक काफ़ी डैमेज नहीं है, जोन का थोड़ा बहुत है। बट यहाँ पे नुस्ता लोन भी, यहाँ पे रितिश ने DS वैनम को नोकिया। यहाँ पे नुस्ता लोन आ गए हैं,
और यहाँ पे भाई नुस्तालोन को नॉक, भाई यहाँ पे लगे हाथों उनको किल भी कर दिया। वहाँ पे रितेश ने डीएस बैन को भी, अब वहाँ पे बचे हैं नुस्ता डेविल और उमेश जी। तो देखते हैं हमारे उमेश जी क्या करते हैं, ये जोन में लेंगे या क्या करेंगे देखते हैं। बट पहले भाई बंदे मारेंगे रितेश जी। तो रितेश जी भाई सामने गाड़ी है लगता है, नुस्ता डेविल वहाँ गाड़ी उठा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे एचडी वरुण ने ओआरसी अखिल को भी नॉक किया, एचडी दिक्की यहाँ पे ख़त्म। ओआरसी अखिल ने शिवा गुग्गू को भी किया, बट गाइज ये फाइट नहीं ले रहे हैं, तो अब देखते हैं चलते हैं कहीं और। बट सामने उमेश जी को ये मार रहे हैं, वहाँ पे नेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो तो गाइज इनको पता है बंदा वहाँ है, बट एक परफेक्ट नेन यार। वहाँ पे फाल्गुन अंशुल ने डॉप को भी नॉक किया, एक्सेल डिवाइन ने नुस्ता हर्ष को यहाँ पे भी रश हो रहा है। तो गाइज पहले इनकी फाइट देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे किया उमेश की काफ़ी कम, यहाँ पे कह रहा उमेश नॉक। तो हम देखते हैं नुस्ता डेविल को, नुस्ता डेविल के लिए क्या करते हैं। लगे आपको यहाँ पे एक बंदा नॉक किया उन्होंने, यहाँ पे खत्म करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे नुस्ता रकुंग भी नॉक भाई, एक गोली लगेगी और ये भाई यहाँ पे लगता है क्लच कर जाएंगे भाई। इनको हील होना चाहिए भाई, हील हो जाओ तो फ़ायदा है आपका इस गेम का। तो गाइज यहाँ पे पहले हील होना चाहिए इनके पास, लगता है हील नहीं है। तो गाइज बैंडेजेस हैं इनके पास, लगा नहीं रहे हैं यहाँ पे भाई अपने किल्स। यहाँ पे गाइज अकेला बंदा बचा था जो उसने इनको ख़त्म कर दिया। तो गाइज मतलब यहाँ पे नुस्ता एक दूसरे को मार के यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं दोनों। तो गाइज हम चलते हैं यहाँ पे किसी और टीम के पास। यहाँ पे भाई यहाँ पे अच्छी भोसड़ मचने वाली है गाइस, देखिए ऊपर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हैं। बंदे टीम ही नहीं थे ना बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे टीम नंबर 14 और टीम नंबर 9 की फाइट होने, अंशुल की यहाँ पे खत्म हो जाएंगे लगता है। यहाँ पे भाई स्पार्टन यात्री इनके स्क्वाड को सुला दिया है अकेले, यहाँ पे इनके 8 किल हो चुके हैं भाई। तो गाइज यहाँ पे फाल्कन अंशुल ने रोह हिमांशु को नॉक किया था, फिर अब यहाँ पे एक्सल सौरभ ने जीएनजी निखिल को, सक्षम भी यहाँ पे ख़त्म। तो गाइज यहाँ फाल्कन जी अपना राज कर चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने स्पार्टन यात्री को लास्ट बंदे को मारा और अपने किल्स क्योर किए। तो गाइज अब ये यहाँ पे अकेले बंदे बचे हैं टीम नंबर 14 के। तो गाइज हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं यहाँ पे अभी भी ये नुस्ता का बंदा यहीं बैठा हुआ इनका वेट कर रहा है। वहाँ पे एसल डिवाइन, एक्सल की टीम आ गई है भाई। तो गाइज यहाँ पे लगता है फाल्कन के ऊपर रश हो, बट यहाँ पे फाल्कन भागने की कोशिश में भाई अकेले। तो गाइस हम देखते हैं टीम ड्यूटी को, तो गाइस टीम ड्यूटी को हम देखना चाहेंगे भाई अभी भी। आज इनके कम किल्स हैं भाई, देखते हैं लास्ट में करते हैं या नहीं। अब जाएंगे ये फाइट की तरफ, गाइस नीचे फाइट हो रही है तो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं अभी, ये यहीं पे हैं। गाइस हमारा थोड़ा लैग हो रहा है अभी, तो ये अभी जोन लेंगे शायद, हाँ जोन लेंगे ये, क्योंकि जोन काफ़ी दूर है। जोन प्रायोरिटी पहले होती है गाइस, फिर आपकी फ़ाइट। तो गाइज ये अभी बगी में जा रहे हैं, इनको जाने दो। हम देखते हैं यहाँ की फ़ाइट नुस्ता गुरु की, तो पे नॉक एक्सल राकेश के हाथों, बट इनका बंदा काफ़ी दूर है, इनको रिवाइव नहीं मिल पाएगा। तो गाइज इनको यहीं पे मरने दो, मतलब मरेंगे ही मरने दो क्या मतलब। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे गाइज अभी फाइट तो चल रही है, बट यहाँ पे देखते हैं स्पार्टन पंकु को, अभी नॉक ही नहीं किया है इन्होंने कोई, बट शिवा तो टीम है। तो गाइज शिवा सर्वेश यहाँ काफ़ी ओपन में है, कर क्या रहे हैं ये, बट ये मार भी नहीं रहे हैं, कुछ ग्लिच है लगता है वो, मतलब वॉल वगैरह पे हैं या तो रिज के नीचे हैं, बट हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे उस राजपूत नॉक स्पार्टन हाउस के हाथों, और गाइज यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग रेंज फाइट दे रहे हैं ह्यूड वर्सेस शिवा के बंदे। तो गाइज यहाँ पे चारों बंदे जिंदा हैं और शिवा के देखने पड़ेंगे। गाइज यहाँ पे दो बंदे हैं शिवा के, एक्सल डिवाइन भी गाइज यहाँ आ चुके हैं इनके आसपास कहीं।
तो गाइस ये दो बंदे शिवा शर्मा और वासी अखिल हैं। तो गाइस शूट के बंदों को जोन में जाना है, वहाँ पे नुस्तार रकूक भी जिंदा है अभी तक भाई, फाल्कोन भी इनके पास आ चुके हैं, नुस्तार रकूक नॉक। तो गाइस नुस्तार रकूक के पास चलते हैं, रितेश के पास। रितेश जी यहाँ पे रिवाइव देते हुए जोन में जाते हैं, पहले ये लगता है जोन में जाएंगे भाई। गाइस जोन में जाना जरूरी है यहाँ पे, गाइस ये कवर बना लें। तो गाइस ह्यूज मॉक्स के ऊपर लगता है काफ़ी ज़्यादा बंदे आ गए इनके पास, पीछे बंदा है इनको पता नहीं लगता है। तो गाइस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है ये बंदा, तो ह्यूज मॉक्स क्या कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ रिच पे ऊपर बंदे आ चुके हैं एक्सल की टीम। तो गाइस इनको पता नहीं एक्सल की टीम ऊपर आ चुकी है, हम देखते हैं एक्सल की टीम को। यहाँ पे मित्र केश यहाँ पे मार रहे हैं एक्सल का, यहाँ पे अच्छा डैमेज एक्सल सौरभ को। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं सामने, यहाँ पे भाई एक्सल केश नॉक, रितेश ने यहाँ पे नॉक किया उनको। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा नॉक कर दिया है, अच्छा खेल रहे हैं राकेश जी। राकेश जी को देखते हैं क्या करते हैं राकेश जी। राकेश जी यहाँ पे भाई नेट पे नेट कर रहे हैं एक्सल सौरभ को मारने की कोशिश में। एक्सल डिवाइन भी वहाँ पे आ चुके हैं, और गाइस गाइस यहाँ पे स्मोक ही स्मोक कर दिया एक्सल डिवाइन ने वहाँ पे टीम ड्यूटी के बंदे ने ठग सोनी को नॉक किया। बट हम पहले यहाँ फाइट लेते हैं भाई, लेते नहीं देखते हैं। गाइस ठग सोनी ने टीम ड्यूटी के बंदे को नॉक किया, टीम ड्यूटी कहाँ लड़ रही है भाई पता नहीं चल पा रहा है। गाइस कहाँ पे हैं, चलते हैं ठग एसके के पास, ठग एसके के पास हम नहीं पहुँच पाए, दोबारा चलते हैं। गाइस ठग एसके के पास हम आ चुके हैं, हम चलते हैं टीम ड्यूटी के पास। गाइस इनके हो चुके हैं 5 किल, इन्होंने कर लिया यहाँ पे हाइड्रा मिलन खत्म, राजपूत भी खत्म, कोबरा ट्रैक्स यहाँ पे नॉक। तो गाइस यहाँ पे रिज पे हैं ये टीम स्पार्टन, यहाँ पे कोबरा ट्रैक्स खत्म, विकुच चौधरी नॉक फ्यूजन के हाथों में, विकुच चौधरी एक बंदा नॉक, वहाँ पे ठग बाबा जी बचे हाथ में छुपे हुए बाबा जी। तो गाइस बाबा जी को यहाँ पे मीनी से देखते हुए लगता है ये ह्यूज स्टॉर्म की मीनी और एयरटैक्स लिया है इन्होंने वहाँ पे मार के। तो गाइस उनकी मीनी और एयरटैक्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे टीम ड्यूटी के बंदा राइना। तो गाइस यहाँ पे ठग के एक बंदे को किल नहीं करेंगे भाई, ताकि ये इसलिए किल नहीं करें ताकि वो दूसरे अपने बंदे को बोले भाई रिवाइव, भाई रिवाइव थोड़ी तंगी दे दे, मतलब उसको थोड़ा खज्जल कर दे। बट यहाँ पे अच्छा डैमेज ख़त्म यहाँ पे किया राइना जी ने, यहाँ पे चलता किया यहाँ पे ठग की टीम को। एक्सल सौरभ यहाँ पे नॉक, कोबरा ग्रीब ग्रीब जी के हाथों। तो गाइस यहाँ पे डेविल जी भी मार रहे हैं किसी को। गाइस स्पार्टन के बंदों को क्या देखें, अभी देखना बनता है तो किसको जहाँ पे ज़्यादा फाइट हो रही है। तो अभी लॉन्ग रेंज फाइट हम कम ही देखेंगे क्योंकि उसमें रिवाइव नॉक होता है, रिवाइव नॉक बट यहाँ पे लगता है फाइट ले रहे हैं, जोन में जाएंगे काफ़ी, मतलब इनके पास ह्यूडविस्ट वहाँ पे नॉक। तो गाइस चलते हैं स्पार्टन पंकू के पास, पंकू ने यहाँ भाई यहाँ पे फाल्कुन अंशुल ने यहाँ साहिल को नॉक किया। तो गाइस यहाँ टीम आ गई है मुश्किल, गाइस यहाँ पे स्पार्टन हाउस। तो गाइस यहाँ किया यहाँ पे उनको चलता। तो गाइस यहाँ पे स्पार्टन हाउस की टीम के हैं यहाँ पे गाइस 8 किल, नहीं कितने किल था गाइस इनके, गाइस इनके हैं अभी तक 2 किल्स। तो गाइस 2 किल्स के साथ यहाँ पे इन्होंने अपना अकाउंट चलाया है। गाइस टीम ड्यूटी काफ़ी दूर है जोन के, और यहाँ पे एक्सल की टीम भी अभी बाहर है, शिवा सर्वेस भी आ रही है। अभी स्पार्टन के 2 बंदे जो हैं वो बाहर हैं। तो गाइस हम देखते हैं फ्यूजन को, फ्यूजन की टीम अभी किसी को मारी यहाँ पे, ख़त्म किया फाल्कन अंशुल को। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह मिली है, वहाँ पे भाई स्पार्टन हाउस वहाँ पे नॉक पड़े हुए, बट रिवाइव मिल चुका है मेहरा सैलिन की तरफ आते हुए। बट गाइस इनके साथ बेस्ट, इनके पास बेस्ट पोजीशन है अभी तक की। तो गाइस देखते हैं क्या करते हैं ये टीम, आज का चिकन ले जाती है या नहीं, M2 गाड़ी लेके जा रहे हैं लगता है, नहीं रुक गए हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो गाइस वहाँ पे शिवा सर्वेस या अकेले बंदे बचे हुए, यहाँ पे शॉट लगाया गया बट लगा नहीं। यहाँ पे भाई स्नाइपिंग करने का एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे, बट यहाँ पे ख़त्म किया टीम D2 राइना ने शिवा सर्वेस को।
तो गाइज मेरे को लगता है यहाँ पे एक शॉट मारा था इन्होंने उनको, उनकी हेल्थ कम हुई थी। एक्स यहाँ पे टीम ड्यूटी रायना ने एक्सेल डिवाइन को नॉक किया, डिवाइन यहाँ पे ख़त्म। तो गाइज यहाँ पे टीम ड्यूटी मार रही है, देखते हैं क्या करते हैं आज के ये युग में। तो गाइज हमारे पास बची हैं 6 टीम्स और देखिए आप कहाँ कहाँ हैं वो। तो गाइज टीम ड्यूटी आ गई है जोन में, कोबरा जी बाहर बैठे हुए हैं। कोबरा जी यहाँ पे देखना बनता है टीम ड्यूटी के बंदे को। तो गाइज ये पहले कोबरा जी को अंदर आना है, कोबरा बाहर नोक पड़ा है लगता है। तो गाइज यहाँ पे स्कारल की स्किन, यहाँ पे दूसरा कोबरा भी लगता है ख़त्म। तो गाइज यहाँ पे दूसरा कोबरा भी ख़त्म। तो गाइज इन्होंने नेम बड़ा अच्छा रखा है वैसे कोबरा। यहाँ पे फ्यूजन के पास मुश्किल, तो यहाँ पे वायरस श्राउड भी नॉक टीम डी2 के हाथों। तो गाइज यहाँ पे एक्सल और केस भी आ चुके हैं ऊपर। टीम ड्यूटी लगता है आज का मैच ये भी ले जाएगी, खेल रहे 10 किल्स के साथ इन्होंने अपना खाता चलाया हुआ। एक्सल सौरभ यहाँ पे ड्यूटी के हाथों नॉक, वहाँ पे गाइज यहाँ पे एक्सल केस भी बचाते हुए अपने आप को। तो गाइज यहाँ पे राकेश जी के पास रिज हैन के पास कंपाउंड था है छोटा सा। तो गाइज यहाँ पे स्मोक करते हुए सामने अपने, बट पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कहाँ जाने की सोच रहे हैं ये टीम AR AZ रैंक। तो गाइज यहाँ पे एक्सल राकेश ख़त्म किया लगता है, देखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सल को ख़त्म किया टीम को। तो गाइज हमारे पास 4 टीम्स हैं, स्पार्टन पंकू क्राउड को यहाँ पे अच्छा। तो गाइज यहाँ पे स्पार्टन पंकू अकेले बचे हुए हैं सामने इनके। तो गाइज काफ़ी ओपन में आते हुए टीम टू के RAZ रैग। तो गाइज स्पार्टन पंकू को इन्होंने शायद देख लिया है, अच्छा थोड़ा बहुत डैमेज दे रहे हैं स्पार्टन पंकू को उनकी तरफ जाते हुए जो उनके बाहर। स्पार्टन वायरस श्राउड वहाँ पे नॉक है, वहाँ पे छोटे बंदे आ रहे हैं जो उनके, वहाँ पे एक बंदा नॉक। तो पे स्पार्टन हाउस भी ख़त्म। तो गाइज यहाँ पे 14 किल्स हो गए हैं यहाँ पे टीम ड्यूटी के हाथों। यहाँ पे 2 टीम्स बची हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे फ्यूजन वर्सेस टीम ड्यूटी हो गए यहाँ पे ख़त्म। गाइज यहाँ पे हमारे पास बचे हैं अब 8 बंदे, 4v4 है यहाँ पे। और यहाँ पे इनके पास 7 किल्स है वहाँ पे उनके। मार भाई मार, नहीं भाई गलत एकदम लोंडा गलत कर गया ये, ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे टीम रायना आ गए उनके, टीम रायना ने यहाँ पे फ्यूजन फ्रीक को नॉक किया। तो गाइज यहाँ पे लगता है अकेला बंदा बचा है फ्यूजन नियोन, यहाँ पे काफ़ी कम हेल्थ उनकी और यहाँ पे लेटे हुए, बट फ्यूजन नियोन का मरना यहाँ पे तय था। तो गाइज यहाँ पे टीम D2 जीत गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम D2।